हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स ट्रिक्स। सो ये सेकंड वीडियो है आंसर इन ब्रीफ का, और इसमें देखिए, इसमें फोर्थ क्वेश्चन ले रहे हैं अपन। व्हाई इज़ इट यूजफुल टू डिफाइन रेडियस ऑफ गायरेशन? डिफाइन हम क्यों करते हैं, राइट? रेडियस ऑफ गायरेशन डिफाइन हम क्यों करते हैं, ये पूछ रहा है इसमें। तो देखो, रेडियस ऑफ गायरेशन, व्हाट इज़ रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन की डेफिनेशन क्या होती है? अगर मैं देखूं कि एक सपोज टू बी मास है, राइट, जो कि ऐसे इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा कुछ, राइट, एम एंड आर के टर्म्स में होगा, राइट, एम एंड आर स्क्वायर के टर्म्स में होगा कुछ, राइट। अगर मैं इस मास को मैं एक पॉइंट मानूँ, राइट, इस मास का हम सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं, राइट। तो सेंटर ऑफ मास मतलब एक पॉइंट मानो, राइट, इस एक्सिस से एक के डिस्टेंस पे, राइट, टोटल मास इज सिचुएटेड। तो एक ऐसा डिस्टेंस जहाँ पर इस मास का, मतलब ये जो स्मॉल एम है इसका, और ये जो बड़ा सा बॉडी है डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग द एक्सिस इसका, तो इसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूँ मैं, लेट अस सपोज दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई सम वैल्यू एक्स सपोज टू बी, राइट। एंड यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, दैट इज सपोज टू बी आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन वेयर द टोटल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, एंड इफ यू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट बॉडी एट दैट पॉइंट, दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मस्ट बी इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी। दैट इज वॉट द डेफिनेशन ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन इज। तो रेडियस ऑफ गायरेशन इज अ मेजर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। इफ मास डिस्ट्रीब्यूटेड इज क्लोज टू द एक्सिस, मतलब ये जो वैल्यू है अगर मैं इसको कम करूँ, क्लोज टू द एक्सिस करूँ, तो रेडियस ऑफ गायरेशन इज लेस। और अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन इज फार फ्रॉम द एक्सिस, रेडियस ऑफ गायरेशन इज मोर, ऑब्वियस है ना। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन? रेडियस ऑफ गायरेशन एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि उस मास को कॉन्सेंट्रेट, उस मास को हम टोटल वहाँ पर बोल देंगे, और अगर वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखे, तो उस डिस्टेंस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों सेम होने चाहिए। तो दैट इज़ व्हाट द रेडियस ऑफ गायरेशन इज, ठीक है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन इज अ मेजर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट अ गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। इफ मास डिस्ट्रीब्यूशन इज क्लोज, रेडियस ऑफ गायरेशन इज लेस। इफ मास डिस्ट्रीब्यूशन इज फार फ्रॉम द एक्सिस, रेडियस ऑफ गायरेशन इज मोर। सो इवन इफ वी डोंट नो द शेप ऑफ द बॉडी, राइट, अगर हमको शेप ऑफ द बॉडी पता नहीं है, देन टू वी कैन नो द रेडियस ऑफ गायरेशन बाई नोइंग ओनली, सॉरी, वी कैन नो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाई नोइंग द मास एंड रेडियस ऑफ गायरेशन। तो ये बहुत सिंपल है, एंड दैट इज द रीजन वी डिफाइन वॉट इज कॉल्ड एज द रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। सो ये पहला क्वेश्चन हो गया हमारा, राइट। और इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखो, इसमें दिया है, अ यूनिफॉर्म डिस्क एंड हॉलो राइट सर्कुलर कोन हैव द सेम फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हेन रोटेटिंग अबाउट द सेंट्रल एक्सिस। मतलब एक डिस्क दिया है, राइट, और एक कोन है, सपोज राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। तो ये कोन और दोनों को हम अगर देखेंगे, तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो सेम होता है, एंड द फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। अब ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज इफ यू कट द कोन अलॉन्ग द स्लैंटिंग साइड, ऐसे कट कर दिए हम, तो एक सर्कल मिलेगा हमको, है ना, सर्कल मिलेगा। ऐसे सर्कल यहाँ पर रखते जाओ तो एक एक पहले तो ऐसे सर्कल, बड़ा सा सर्कल मिलेगा, फिर छोटा सर्कल मिलेगा, फिर छोटा, ऐसे करते करते एक डिस्क मिल जाएगा। सो दिस ऑल सर्कल इफ यू पुट टूगेदर फॉर्म्स वॉट इज कॉल्ड एज अ डिस्क, एंड दैट डिस्क विल हैव द सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज दैट ऑफ द इनिशियल डिस्क। सो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? एम आर स्क्वायर बाय टू। तो जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है
फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन वो तो सेम ही है। अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा तो रेडियस ऑफ गायरेशन सेम होगा, रेडियस ऑफ गायरेशन सेम होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा। तो ये चार पॉइंट आप लिख सकते हो एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। इसके बाद देखो ये है थर्ड क्वेश्चन। पहले हमने देखा ऑब्जेक्टिव, फिर आंसर इन अ ब्रीफ, अब ये थर्ड क्वेश्चन हमारा आ गया। आंसर इन ब्रीफ में हमने पांच क्वेश्चन देखे, अब ये थर्ड क्वेश्चन जो कि बड़ा सा क्वेश्चन है, तो पेशेंस रखो, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैं। व्हाइल ड्राइविंग अलोंग एन अनबैंक्ड सर्कुलर रोड, अ टू व्हीलर राइडर हैज अ लीन विथ अ वर्टिकल राइट, वाई इज इट सो। मतलब अगर हम अनबैंक्ड सर्कुलर रोड पे टू व्हीलर जा रहा है और उसने उसने टर्न लिया राइट, टर्न लिया राइट, तो क्या होगा, उसको थोड़ा सा लीन टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको काउंट्रैक्ट करना पड़ेगा टॉर्क को। क्यों? देखो यहाँ पर अगर ये लीन नहीं होगा यहाँ पर, सो पहले तो फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो। व्हाइल ड्राइविंग अलोंग द अनबैंक्ड सर्कुलर रोड द फ्रिक्शन विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स। मतलब अगर हम ड्राइव कर रहे हैं तो हु विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स, ओनली द फ्रिक्शन, ओनली द फ्रिक्शन विल प्रोवाइड द नेसेसरी। ड्यू टू दिस फ्रिक्शन द टॉर्क विल बी देयर ऑन द टू व्हीलर। मतलब अब अगर ऐसे फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है तो क्या होगा, एक मास यहाँ पर mg होगा, और अगर मैं देखूँ यहाँ इस पॉइंट के अबाउट तो एक फ्रिक्शन का एक टॉर्क लगेगा इस डायरेक्शन में ऐसे राइट, टॉर्क लगेगा। तो इस टॉर्क को काउंटर बैलेंस करने के लिए हमको थोड़ा सा लीन होना पड़ेगा, थोड़ा सा लीन होना पड़ेगा, है ना। तो थोड़ा सा लीन होंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर mg आ जाएगा, सपोज टू बी ये mg आ जाएगा, ये फ्रिक्शन का टॉर्क इस तरफ और mg का टॉर्क इस तरफ, और काउंटर बैलेंस करके ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वेट होंगे और टॉर्क, नेट टॉर्क इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। सो टू काउंटरैक्ट टॉर्क इट हैज़ टू लीन इनवर्ड राइट। सो ड्यू टू दिस फ्रिक्शन द टॉर्क विल बी देयर ऑन द टू व्हीलर, दिस टॉर्क माइट टॉपल द टू व्हीलर। टॉपल मतलब क्या, कि शिफ्टिंग ऑफ नॉर्मल, मतलब टॉपल ये ऐसे आउटवर्ड जाएगा, मतलब ऐसे आउटवर्ड माइट भी वो जा सकता है। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा लीन होना पड़ेगा, सो दैट mg का टॉर्क और फ्रिक्शन का टॉर्क बैलेंस हो जाए और हमारा जो व्हीकल है वो टॉपल ना हो, ठीक है। विथ व्हाट एंगल द राइडर हैज़ टू लीन, तो उसके लिए देखो हमारा एक एक्सप्रेशन है। तो विथ व्हाट एंगल, ये है जो नेट वाला नेट फोर्स, तो ये एंगल सपोज टू बी थीटा, तो विथ व्हाट एंगल, तो यहाँ पर हम टैन थीटा इज इक्वल टू एफ एस बाई एन लिख सकते हैं, एफ एस यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे, दिस इज शिफ्टिंग ऑफ द वेक्टर राइट। शिफ्ट वेक्टर को किसी भी प्लेन में कहीं पर भी कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, बस हियर टैन थीटा इज एफ एस बाई एन, और एफ एस प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स, दैट इज वाई एफ एस इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, ठीक है ना, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। तो यहाँ पर अगर पुट किया तो tan theta इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर डिवाइड बाई एम जी, तो यहाँ विच इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी, तो यहाँ से हमको मिल गया थीटा दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर जी। सो आई होप दिस इज क्लियर ओनली। अब इसके बाद देखो और एक क्वेश्चन दिया है इसमें कि डिराइव द रिलेवेंट एक्सप्रेशन, हो गया वाई सच लीनिंग इज नॉट नेसेसरी फॉर फोर व्हीलर। अब फोर व्हीलर के लिए लीनिंग क्यों ज़रूरी नहीं है, तो देखो फोर व्हीलर में क्या होता है, व्हेन द कार टेक्स द टर्न अलोंग द लेवल रोड, अपार्ट फ्रॉम स्कीडिंग ऑफ आउटवर्ड इट आल्सो हैज द टेंडेंसी टू रोल आउटवर्ड। रोल आउटवर्ड मतलब ये ऐसे अगर आ रही है कार तो ये रोल आउटवर्ड हो सकता है, मतलब ऐसे आउटवर्ड जा सकता है, है ना, वो ऐसे आउटवर्ड जा सकता है कार। तो अगर ऐसे आउटवर्ड जाएगा तो क्या हो सकता है कि वो रोल कर सकता है, लेकिन जब ये दो पहिए राइट, जब इनर व्हील्स जब एयर में होंगे तब क्या होगा, जो mg का टॉर्क है और जो फ्रिक्शन का टॉर्क है, यहाँ पर फ्रिक्शन भी तो होगा, फ्रिक्शन का टॉर्क है, वो एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। फ्रिक्शन का टॉर्क इस तरफ लगेगा, mg का टॉर्क इस तरफ लगेगा। अगर मैं एक पॉइंट यहाँ पर कंसिडर करूँ, इस पॉइंट के अबाउट फ्रिक्शन, mg का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, फ्रिक्शन का टॉर्क क्लॉकवाइज, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे और यहाँ पर जो लीनिंग है उसकी ज़रूरत ही नहीं है। बट कार इज एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, सो व्हेन इनर व्हील जस्ट गेट लिफ्टेड अबव द ग्राउंड इट कैन बी काउंटर बैलेंस बाय द टॉर्क ऑफ आउटर व्हील्स। तो
टॉर्क ऑफ आउटर व्हील्स कैसे मिलेगा, जब हम फ्रिक्शन का टॉर्क लेंगे और एम जी का टॉर्क लेंगे। अभी नॉर्मल का टॉर्क क्यों नहीं ले रहा मैं, क्योंकि नॉर्मल फोर्स जो है उसी पॉइंट से पास हो रहा है, तो नॉर्मल की जरूरत ही नहीं है, नॉर्मल का टॉर्क लेने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर एम वी स्क्वायर बाय आर, वाई एम वी स्क्वायर बाय आर फ्रिक्शन प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स, तो एफ एस इंटू एच दैट इज एम वी स्क्वायर बाय आर इंटू एच। अब ये कैसे डायग्राम होगा मैं बता देता हूँ। ये देखो, ये होगा एफ एस, यहाँ पर एक एच पॉइंट पे मैंने पॉइंट माना है, इसी पॉइंट से नॉर्मल जाएगा तो नॉर्मल का तो कोई टॉर्क होगा ही नहीं, और एम जी जो है वो इस यहाँ पर है एम जी, और जो कि बी बाई टू डिस्टेंस पे है। तो अब इस पॉइंट के अलाउंग अगर देखोगे तो एम जी का टॉर्क है एंटी क्लॉकवाइज और एफ एस का टॉर्क है क्लॉकवाइज, और नॉर्मल का टॉर्क तो जीरो है, तो हम बोलेंगे एफ एस इंटू एच, एफ एस इंटू एच मतलब एम स्क्वायर बाय आर इंटू एच। अब एफ एस क्यों, एम स्क्वायर बाय आर क्यों लिखा, ये तो बताया मैंने बहुत बार, एफ एस इज फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स, तो एफ एस इज इक्वल टू एम स्क्वायर बाय आर इंटू एच इज इक्वल टू एम जी इंटू बी बाई टू। अब एम जी इंटू बी बाई टू क्यों, एम जी इंटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है बी बाई टू, टॉर्क ड्यू टू द फ्रिक्शन फोर्स बैलेंसेज द टॉर्क ड्यू टू द एम जी। तो यहाँ पर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, टॉर्क ड्यू टू द फ्रिक्शन फोर्स बैलेंसेज द टॉर्क ड्यू टू द एम जी। तो बस हो